जय हिंद जय भारत। आज की नई वैकेंसी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर जितने भी बेल्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे संबंधित एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। और यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की 58 पोस्ट है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सीएपीएफ जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और अन्य अलाइज इक्विवेलेंट सर्विसेज के हैं उनको यहां पर लिया जाएगा। सिक्योरिटी रिलेटेड यहां पे काम रहेगा और असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के तौर पर यहां पर लिया जा रहा है। अभी यहां पर सैलरी भी जो आपको दी जाएगी उसकी जानकारी भी यहां पर दी गई है। यहां पर बताया गया है कि बेंगलुरु मेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनिंग द मेट्रो रेल इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। अभी यहाँ पर जो असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर को लिया जा रहा है, जिसमें कि 58 पोस्ट दिए गए हैं, मैक्सिमम एज यहाँ पे 62 ईयर बताई गई है। जो इसके लिए यहाँ पे क्रिटेरिया दिया गया है कि सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल इन दी रैंक ऑफ जूनियर कमीशन ऑफ जीसीओज रैंक, सुबेदार, मेजर सुबेदार, पीटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर और इक्विवेलेंट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, इंस्पेक्टर ऑब्लिक सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक ASI और इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, ये सभी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताई कि मैंने कि एज जो बताई गई यहाँ पर मैक्सिमम एज बताई गई है 62। अभी यहाँ पर क्या क्या सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें कि असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की जो सैलरी होगी जो बिलो 60 जिनकी एज है 32,950 रुपये। उसके अलावा और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें कि GPA है, GMC होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, NPS एंड अप्लीकेबल पक एंड अलाउंसेज एज पर प्रिविलेजिंग रूल्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो भी अलाउंसेज आपके बनते हैं सैलरी के अलावा, वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और जो अबव 60 हैं उनको यहाँ पर 30,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पर्क अलाउंस जो भी अप्लीकेबल है उसके हिसाब से, कंपनी रूल के हिसाब से दिया जाएगा। अभी जो पीरियड बताया गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि टर्नओवर बेस पे होगा और पहले यहाँ पर 3 साल का होगा। एक साल यहाँ पर अबव 60 यदि आपकी एज हो जाती है तो आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और बाकी एक्सटेंड करने के लिए आपका परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अभी कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अभी सबसे पहली कंडीशन है कि फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बाद जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनका यहाँ पर जो है फिजिकल होगा। दूसरा है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू बाय ए कमेटी कंसिडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा और कमेटी जो बनाई जाएगी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ कन्नड़ा विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिनको कन्नड़ा आती है, कन्नड़ा लैंग्वेज जिनको पता है, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एनी कॉन्वेसिव बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और टू ब्रिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो भी पॉलिटिकल व्यू लेके वहाँ पे आते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, सर्विंग मिलिट्री पर्सन हु आर रिटायर्ड ऑन द बिफोर 31 दिसंबर 2024, जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, सर्विंग फोर्सेस के हैं और जो 31 दिसंबर 2024 से पहले रिटायर आ रहे हैं, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी दी गई है जिसको आप यहाँ पर पढ़,
पहला जो पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी सेंड अलोंग विद द एप्लीकेशन. नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन विल लीड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजने ही होंगे. यदि आप नहीं भेजते हैं तो आपको यहाँ पे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन इज प्रिविलेज सॉरी प्रोविजन एंड में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड. BMRCC ऑल्सो रिजर्व जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है, यानी कि 58 वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है और इसमें इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है. ये जो राइट्स हैं BMRCL के पास राइट्स हैं तो वहाँ ऐसा कर सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे कि BMRCL रिजर्व द राइट टू एक्सेस द फिटनेस और अदरवाइज ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड. नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि BMRCL शैल नॉट बी लेबल ऑफ एनी डैमेज. कुछ यहाँ पे आपको डैमेज होता है आने जाने में या कुछ और प्रोसेस में तो यहाँ पर BMRCL जो बेंगलुरु मेट्रो है वहाँ जिम्मेदार नहीं होगा. नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड सेलेक्शन बेस प्रोसेस. कैंडिडेट को जो है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा. एप्लीकेशन ऑनलाइन टेक ए प्रिंट आउट द सेम एंड सबमिट अलोंग विद द कॉपीज. यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो आपने अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के लाना है. रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है. कैंडिडेट हु फेल टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इवन थ्रू दे हैव सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन. यदि आप ऑफलाइन के माध्यम से जो आपने ऑनलाइन भरा है या ऑनलाइन सेंड किया है उसकी कॉपी प्रिंट आउट करके नहीं भेजते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है. आपने चाहे ऑनलाइन भर भी दिया है तब भी आप यहाँ पर कंसिडर आपको नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट जो पॉइंट है द एप्लीकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी. यदि आपकी कोई यहाँ पे गलती पाई जाती है कोई झूठा आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट इज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाई ई मेल SMS टू अपीयर. जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको ईमेल या फिर SMS के माध्यम से इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा जो कि आपको अपने कॉस्ट पर जाना होगा. अभी जो आपने ऑनलाइन के माध्यम से भरे हैं उसकी फोटो कॉपी प्रिंट आउट करके संबंधित डॉक्यूमेंट लगा करके आपको कहाँ भेजनी है ये इसका एड्रेस है. एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं आप लोग. जनरल मैनेजर HR बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 3rd फ्लोर BMTC कॉम्प्लेक्स KH रोड शांति थी नगर बेंगलुरु 560027. अभी जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें आपको लिखना है इनवेलप के ऊपर जो आप भेज रहे हैं उसकी लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर. और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो एप्लीकेशन या आपने जो इनवेलप भेजा है वहाँ 9/9/2024 से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए दोस्तों. अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप जो उनका यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है इस पर आप एक बार ईमेल कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं helpdesk@bmrc.co.in पर आप ज़रूर उनको मेल करें जिससे कि वहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व हो जाए.